दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनिता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा बेसन की सब्जी। बेसन की सब्जी ऐसा मज़ेदार बनाऊंगी कि आप खाते ही रह जाइएगा। तो जैसे कि क्या होता है ना, घरों में जैसे कोई सब्जी ना हो तो बेसन की सब्जी बनता है। ज़्यादातर हमारे यहाँ बरसात के दिनों में बनता है या जेठ बैसाख में। जैसे कि जेठ बैसाख में सब्जियाँ थोड़ी कम हो जाती है खेतों में तो बनता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं खेत में। हमारे दोस्त भी पीछे पीछे आ जाते हैं कि खेत में जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे। तो देखिए खेत में आ चुके हैं। इस टाइम खेतों में गोभी कट गया है, छोटा छोटा भिंडी लोबिया लगा है। तो देखिए कितना छोटा छोटा पौधा है, अभी देख रहे हैं अभी बड़ा होगा फलेगा सब ना। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या ले रही हूँ खेतों से। देख रहे हैं हरा धनिया का पत्ता है। गर्मी के दिनों में ना धनिया बड़ा महंगा हो जाता है, लेकिन खेतों में रहता है तो काम आ जाता है। ये देखिए ले लिए हैं, इसका खुशबू आहा जबरदस्त। एक बाल्टी पानी ले लिए। भारी है मारो पलटिया। तो बेसन लिए हैं हम अपने फैमिली के हिसाब से। आधा छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे। बेसन के हिसाब से ही हम नमक डाले हैं, आधा चम्मच नमक भी है। खेत से धनिया लाने के बाद धो लिए थे। ठीक है दोस्तों, इसका खुशबू देखिए आप तक भी पहुंच गया। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम घोल, एक जैसे हम चिल्ला बनाते हैं ना वैसे ही घोल तैयार करेंगे। ज़्यादा एक साथ में पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो गुठली बन जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं इसका गांठ ख़त्म कर दी हूँ मैं। इस तरीके से गांठ ख़त्म करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, एक दो चम्मच पानी डाल के इसका हम एक स्मूथ घोल बनाएंगे। घोल इज रेडी दोस्तों। तो देख लीजिए कितना गाढ़ा है कितना पतला है। तो देखिए जैसे हम पकौड़े बनाते हैं ना, सेम वैसी घोल होना चाहिए। किसी भी चीज का हम पकौड़ा बनाते हैं, जैसे आलू के हो गया, ये बैंगन के हो गया, लौकी का हो गया, तो आपको लग रहा होगा मैं तो घोल बहुत ज्यादा बनाई हूँ। ऐसा नहीं है, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो इसी कटोरा में मैं एक कटोरा बनाती थी। आप बोलेंगे वो क्यों, तो अभी बताऊंगी मैं। तो सबसे पहले चलते हैं मसाला पीसने। मेन बेसन का सब्जी में ना मेन उसका मसाला ही मास्टर है, मास्टरमाइंड मसाला। तो चलिए मसाला दिखाते हैं आपको पीस के, एकदम मज़ा आ जाएगा। मतलब कहिएगा ना कि वाह क्या मज़ेदार बना है बेसन का सब्जी। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो हल्दी है। हल्दी बनाने का सही तरीका हम अपने चैनल पे दिए हैं दोस्तों। ये प्योर ऑर्गेनिक हल्दी है। बहुत से दोस्तों को लगेगा कि अरे नहीं ये तो आधा है, आधा नहीं है। तो देखिए दोस्तों सिलबट्टे का मसाला का स्वाद अलग होता है। जीरा मरीच दोनों मिला के ना एक चम्मच लिए हैं। ठीक है, और दो चम्मच इसमें सरसों है, एक चम्मच धनिया है, और ये हल्दी है जो मैं बता दी हूँ पहले, पांच छह अपने तीखे के अनुसार मिर्चा, आधा इंच का अदरक और एक गांठ लहसुन, एक ठो प्याज, इन सब को हमें पीसना है। अब आप बोलेंगे अरे बाप रे बाप इतना पीसना पड़ेगा, इसका मसाला ही मेन है। तो देखिए हम लोग तो तुरंत पीस लेते हैं मिनटों में। बहुत से हमारे दोस्त बोलते हैं कि अनिता जी आप ऐसे पकड़ती हो पीस जाता है मसाला। ऐसा नहीं है दोस्तों, मेहनत करना पड़ता है, अच्छा चीज खाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। थोड़ा मेरा हल्दी भी सुखा दीजिएगा धूप में, देख रहे हैं प्योर ऑर्गेनिक चीज का तो बात ही कुछ और है। अब थोड़ा थोड़ा पानी देके मसाला हम पीस लेंगे बारीक। तो
बताता हूँ, कैमरामैन भाग गया था, मसाला मेरा कब का पीस गया है। अब मैं उठाते हुए नहीं दिखाई थी, आप लोगों को कैसे उठाऊँ। अब देखिए चोखा जैसे मसाला पीस के ढक के रखी थी कटोरा से। मसाला को खुला नहीं रखना चाहिए, पता है इसमें खुशबू जो सेंट होता है ख़त्म हो जाता है। यही तो आजकल के बच्चों को नहीं पता है। सब्जी खाने में अच्छा लगता है, काम करने में आंधी आता है, तेज तेज हवा चल रहा है। गर्मी के दिन में कोई सा भी जलावन इतना तेज जलता है। तवा रख लिए हैं दोस्तों, अब इस पे हम सूती के कपड़ा से अच्छा से ग्रीस कर दे रहे हैं। तवा जब मीडियम गर्म हो जाएगा तब हम उस पे डालेंगे अपना बेसन का चिल्ला। अब इसको अच्छे से चिपका लेंगे। अब इस तरीके से आप तवे के ऊपर भी बना सकते हैं पीस पीस, या आप उतारने के बाद भी बना सकते हैं। जैसे ही सूखने लगे तो इस तरीके से चेक कर लें कि हुआ है कि नहीं पीछे साइड से। तो देख रहे हैं कितना बढ़िया चिल्ला तैयार है। तो इस तरीके से निकालने का काम प्लेट में इकट्ठा कर लेंगे। तो ये तो मैं हाथ से बना रही थी, लेकिन आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे थोड़ा सा बेटर डाल दिए और डालने के बाद किसी भी कटोरी किसी भी करछी से इस तरीके से जैसे हम डोसा बनाते हैं गोल 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 धीरे धीरे राउंड कर दें। देख रहे हैं दोनों तरफ से कितना बढ़िया सीख गया है। इसको भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो सारा के सारा चिल्ला को हम ऐसे ही बनाएंगे। सरसों का तेल डालेंगे कढ़ाई में। तेज पत्ता डाले हैं और मेथी दो चुटकी। एक प्याज काट के इसी में डालेंगे। तो प्याज देख रहे हैं कितना बढ़िया गुलाबी हो गया है। तो यहीं पे जो हम मसाला पीस के तैयार किए हैं वो डालेंगे। एक कप पानी हम डाल के मसाला को ना 10 मिनट भूनेंगे। टमाटर को चार भाग भी कर सकते हैं, नहीं तो छोटा छोटा भी काट सकते हैं। चार भाग वाला अलग अलग दिखता है टमाटर, तो मजा आता है खाने में। धीमी आंच पे मसाला को भूनेंगे आप। 5-6 मिनट तो तेज आंच पे भून लिए हैं। अब आपका जैसा भी मन करे इस तरीके से बड़ा बड़ा पीस, थोड़ा छोटा पीस है, या इस तरीके से बीच बीच काट के भी कैसे भी आप बना सकते हैं। देख रहे हैं कितना बढ़िया चिपका है, एकदम बढ़िया चिपक गया है। ये देखिए कोई सा भी पीस उठाइएगा एकदम बढ़िया जबरदस्त चिपका हुआ है। नहीं तो पहले ना जितना चिल्ला बनाऊंगी तो आधा तो बच्चे ही खा जाएंगे। तो पास से देखिएगा तो मसाला बिल्कुल तेल छोड़ दिया है,
ऐसे ही आपको भी भूनना है मसाला। तो 10-12 मिनट हो गया मसाला को भूनते हुए, और ये देखिए मसाले का कलर। तो ये जो कटोरा में हम बेसन घोले थे ना, उसी में हम क्या करेंगे कि पानी डाल देंगे। इसका बेसन का सब्जी का ना घोल थोड़ा पतला होता है, ठीक है, क्योंकि ये अपने अंदर पानी को सोख लेता है। तो स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, जितना हमारा पानी है उसी के हिसाब से। चिल्ला में पहले से ही नमक है। और देख रहे हैं मसाले कितना बढ़िया से खोल गया है। अब एक एक करके हम बेसन का जो पीसेस बनाए हैं वो डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच से भी कम थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला डाल देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो है इस टाइम, अभी जलाना नहीं है हमें। अब यहाँ पे देखिए बेसन का सब्जी हमारा कितना जबरदस्त बन के तैयार हुआ है। अब इसको पतला इसलिए रखना होता है कि अभी 5-10 मिनट के बाद ये अपने अंदर सोख लेता है, और जब इस पीसेस को डाल लेना फिर आपको चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं है, गैस जलाने की जरूरत नहीं है। तो लो फ्लेम रखें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है बेसन का सब्जी, देखने में भी और खाने में भी जबरदस्त। तो ये लीजिए दोस्तों, बेसन का सब्जी बनके हो गया है तैयार। तो गर्मा गर्म रोटी बनाइए और जल्दी से खा लीजिए। तो दोस्तों देखिए, इस सब्जी को ना आप चावल से खा सकते हैं, रोटी से खा सकते हैं, बहुत ही मजा आता है। तो कैसा लगा हमारा ये बेसन का सब्जी का तरीका, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और एक बार हमारे तरीके से बना के जरूर खाइएगा, एकदम स्वाद अलग होगा और आपको बहुत पसंद आएगा, हमारा पूरा का पूरा गारंटी है दोस्तों। जल्दी से आ जाइए, आप लोग भी चख के जाइएगा। रुकिए आपको बड़ा वाला पीस देती हूँ, आप भी क्या याद रखोगे, ये देख रहे हैं। तो मजा तो आ गया होगा खा के दोस्तों, क्योंकि ये सब्जी है ही मजेदार। तो हमको भी किस चीज का देरी है, जा रहे हैं रोटी दीने में का दो ठो है, दबा देंगे घर के। हाँ जी, हाँ, अपने हस्बैंड जी से पूछ रही हूँ, तो बोल रहे हैं कि रोटी बनाने को बोलूंगा तो बैंड बजा देगी। अभी हंसते हंसते बनाई है। तो खुद ही वो बनाएंगे, भूख नहीं है अभी दोस्तों, ठीक है, शाम को खाएंगे। तो ये अभी देखिए थोड़ा सा सूरज भगवान को अपने मम्मी के पास जाने में समय लगेगा, तब तक हम लोग अभी सब्जी बना लिए हैं, और जल्दी से जैसे ही खाना होगा गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे। तो अभी मैं आपको चेक करके बताऊंगी कैसा स्वाद बना है, लेकिन इस स्वाद में ना नहीं तो मैं कम से कम 100-200 बार खा चुकी हूँ, इतना तो गारंटी है। तो एकदम 100% अच्छा बनता ही है। वीडियो अच्छा लगा, रेसिपी अच्छा लगा दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं आप लोग। तो दोस्तों देखिए, पपड़ा बनता था तो बच्चे खा जाते थे, आज बच्चे बड़े हो गए हैं, कहते नहीं हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं तो खाना बंद कर दिया, अब मैं ही खाती हूँ, अब मैं बच्ची हो गई हूँ। इधर सब्जी देखिए रात के खाने के लिए रखा जा रहा, नहीं तो ये बर्तन काला हो जाता है ना। इतना जबरदस्त बना भाजी, शाम के रोटी से सबको खिया दिए।